हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के शो में आप सभी के लिए काफी गजब एप्लीकेशन कर्फ्यू लेकर आया हूँ, और ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों आप लिख के ले लो, आप सभी को यहाँ पर 101% पसंद आ जाने वाली है। अगर आप अपने फोन में व्हाट्सएप यूज करते हो या फिर इंस्टाग्राम यूज करते हो या फिर फेसबुक यूज करते हो, तो ऐसे में ये जो एप्लीकेशन है आप सभी को पसंद आ जाने वाली है। जो भी यहाँ पर अपने फोन में स्टेटस वगैरह को लगाना पसंद करते हैं, डेली अपडेट करना पसंद करते हैं अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो ऐसे में ये एप्लीकेशन आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आ जाने वाली है, क्योंकि यहां पर आप सिंगल एक क्लिक में काफी डिफरेंट टाइप के स्टेटस बना सकते हैं, जिनको बनाने के लिए काफी लोगों को काफी घंटों लग जाते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन की मदद से आप सिर्फ एक क्लिक में यहां पर काफी शानदार स्टेटस बना सकते हैं, और यहां पर आपको काफी सारी वेराइटीज देखने को मिल जाएगी। जब इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में यहां पर यूज करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कितनी शानदार ये एप्लीकेशन मैंने आप सभी को बताई है, बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन सी एप्लीकेशन है, कहां से आपसे डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद किस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज किया जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि यहां पर आपको सारी बातें समझ में आ जाए। चलिए अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं ये कौन सी एप्लीकेशन है और किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन में यूज कर सकते हो। तो यहां पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये रही हुई एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को अगर आपको डाउनलोड करना हो तो लिंक मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आपसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में ओपन कर लेना है, जहां पर आपके सामने ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है। यहां पर दोस्तों आपके सामने डिफरेंट टाइप के स्टेटस बनाने के ऑप्शन आ जाते हैं। यहां पर सिंपली आपको अपनी फोटो को ऐड करना है, उसके अलावा यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, और यहां पर आप कुछ इस प्रकार के स्टेटस अपने फोन में बना सकते हो। और इसके अलावा आप देख सकते हो ये वाला स्टेटस भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। यहां पर सिंपली आपको अपनी फोटो को ऐड करना है, तो यहां पर मैं आपको एक स्टेटस बना के दिखा देता हूं, बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहां पर मैं आपको ये वाला बना के दिखा देता हूं, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। तो यहां पर इसमें म्यूजिक भी है लेकिन मैंने म्यूजिक को बंद करके रखा है, तो चलिए यहां पर मैं आपको बना के दिखा देता हूं। तो सिंपली आपको चूज करने के बाद स्टार्ट मेकिंग के ऊपर क्लिक करना है, और यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपके सामने नीचे आप देखेंगे तो यहां पर आपको फोटो ऐड करने का ऑप्शन आएगा। किसी में आप 10 ऐड कर सकते हैं, किसी में 6 फोटो ऐड कर सकते हैं, और किसी में आप सिंगल फोटो ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर सिंगल वाला ऑप्शन है, तो यहां पर मैं प्लस के बटन पर क्लिक कर दूंगा। ऐसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर हम अपनी गैलरी से एक फोटो को चूज कर लेते हैं, और यहां पर मैं श्योर के बटन पर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर इस फोटो को हमें कॉर्प करने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी पूरी की पूरी फोटो यहां पर ही आ चुकी है। उसके बाद यहां पर आपको राइट के निशान पर क्लिक कर देना है, और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो स्टेटस है वो कुछ ही मिनटों में यहां पर तैयार हो जाता है। और यहां पर इसमें म्यूजिक भी बज रहा है लेकिन मैंने उसे स्टॉप करके रखा है। तो यहां पर इसे सेव करने के लिए सिंपली आपको एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने क्वालिटी को चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो यहां पर आप हाई क्वालिटी को चूज कर लीजिएगा, उसके बाद सिंपली आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आपको काफी सारे वैरायटीज के यहां पर स्टेटस देखने को मिल जाते हैं, जिनको दोस्तों आप बना के अपने व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे काफी सारी सुर्खियां बटोर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको छोटी सी एप्लीकेशन प्लस वीडियो में पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करके जाएगा। थैंक यू।